चिंचवड़ श्री संघ का पुण्य उदय में आया। युवाचार्य भगवान परम पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के साथ चतुर्विध संघ का स्वर्णिम चातुर्मास पाया। आज तो कहते हैं गर्व से कि भाग्य हमारा सवाया, जो परम पूज्य युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब का जन्म दिवस मनाने का मौका आया। गुरु की ऊर्जा सूर्य सी अंबर सा विस्तार, गुरु की ऊर्जा सूर्य सी अंबर सा विस्तार, गुरु की महिमा से बड़ा नहीं कहीं आकार, गुरु का सानिध्य ही जग में सबसे बड़ा उपहार। आज आपके जन्मदिन पर हम सब यही मांगते हैं वरदान बारंबार, युवाचार्य भगवंत आप पर सदा होती रहे खुशियों की बौछार, खुशियों की बौछार। चिंचवड़ श्री संघ को बहुत पुण्यवाणी से युवाचार्य भगवान परम पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब का 55वां जन्म दिवस मनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आइए आज के जन्मदिन के शुभ अवसर पर करते हैं बचपन से 55 तक की यादों का एक सफर। आपका जन्म महाराष्ट्र के पुण्य भूमि कहलाने वाले पूना नगरी के एक छोटे से गांव चाकण में स्थित भटेवरा परिवार में 5 अक्टूबर 1967 में हुआ। स्वार्थी लाल जी के कुलनंदन लीलाबाई माँ के लाल, परम पूज्य युवाचार्य श्री को पाकर के सारा भारत हुआ निहाल। पिता स्वार्थी लाल जी व माता लीलाबाई बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के तथा आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब के परम भक्त थे। आपकी माता ने गर्भ से ही आपको धर्म के सुसंस्कार दिए हैं। धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने संकल्प कर लिया था कि समय आने पर आपको दीक्षा रत्न प्रदान कर पूज्य आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में समर्पित कर देंगे। आपका बचपन का नाम था महेंद्र, लेकिन प्यार से सब आपको मंजू कहते थे। बड़े दो भाई राजेंद्र और संजय, छोटे दो भाई अजय और अभय और एक बहन सुविता, ऐसे भरे पूरे परिवार में आपका बचपन बाल सुलभ अटखेलियों के साथ बीत रहा था। आपके जीवन ने नया ही मोड़ ले लिया जब आप सिर्फ 7 वर्ष के थे। चाकण में गुरुदेव का सानिध्य पाकर आपके मन के संस्कार जाग उठे और मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न होने लगा। और फिर क्या,
माता पिता से अनुमति पाकर गुरुदेव की उंगली थामे आप तो चल पड़े। गुरु सारो छिलो बनु मैं कि थारो छिलो बनु मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं। थारो छिलो बनू मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा ओ गुरु सा थारो छिलो बनू मैं कि थारो छिलो बनू मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं। गुरुदेव की निश्रा में रहकर आपने जैन धर्म और आगम का अभ्यास किया। बुद्धि तो आपकी विलक्षण थी ही, सीखने की भी ललक थी आप में। फिर क्या, छोटी सी उम्र में ही आपने धर्म के गूढ़ ज्ञान को जान लिया। आदर्श की मिसाल बनकर गुरु आनंद ने मंजू कुमार का बचपन सवारा। धर्म और आगम का अद्भुत ज्ञान देकर बालक की जीवन बगिया को महकाया। छोटे से बालक का जीवन प्रकाशित करके अपने शिष्य को दीक्षा के पात्र बनाया। प्रेम सरिता की बनकर धारा मंजू कुमार की नैया को पार लगाया। 14 वर्ष की आयु होने पर साधड़ी संघ पूना के अंतर्गत 3 फरवरी 1982 के दिन आपकी दीक्षा महोत्सव का आयोजन नेहरू स्टेडियम पर किया गया। जब वितराग पथ पर अग्रेसर होने के लिए साधु वेश पहनकर आप आचार्य श्री आनंद ऋषि जी के पास दीक्षा का पाठ लेने पहुंचे तो ये अमूल्य क्षण अपनी आंखों में कैद करके सारी सभा कृतकृत्य हो गई। गुरुदेव ने अनमोल बोधि रत्न प्रदान करते हुए महेंद्र ऋषि जी नाम दिया। चाकन का बेटा संयम लेकर पाट पर है बैठा, चाकन का बेटा भटवरा का बेटा, चाकन का बेटा ज्ञान पिटारा शान है जिन शासन का, चाकन का बेटा स्वार्थी लाल जी का बेटा, लीलाबाई का बेटा भटवरा का बेटा। गुरु के चरणों में रहकर आप निरंतर ज्ञानार्जन करते रहे। आचार्य के चरणों में रहकर आपने अर्जित ज्ञान को प्रवचन के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कला सीखी। तिलोक ऋषि जी की रचित सवैया का रसपान, चारित्र नायकों का कथन, सैकड़ों आगम गाथाएं, शीघ्र कवि, स्वरचित भजन, गुरु से सीखे श्लोकों का पठन, ऐसी आपकी प्रवचनों की विशेषताएं हैं। आपने आनंद के स्वर, आनंद सरगम, जिनेश्वर का सुमिरण, गुरु आनंद प्रसादी, आनंद कथामृतम, ऋषि संप्रदाय का इतिहास, रत्नपुरी के रत्न, गौतम रास, उच्छी सुनम संपुट आदि अनेक साहित्यों की रचना की। सदैव हसतमुख, मधुर वक्ता, गायक और मिलनसार होने से कम समय में ही आपने जन समुदाय का मन जीत लिया। आपके व्यक्तित्व और कवित्व में राष्ट्र संत आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की छाप स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। यह तो स्वाभाविक है, क्योंकि बाल्यावस्था से ही आपको गुरुदेव का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन मिला है। बहुत भाग्यशाली है आप जो स्वयं सूरज रूपी आचार्य श्री के निश्रा में पले फले और बढ़े। आपके मन में गुरुदेव के प्रति अत्यंत निष्ठा एवं असीम भक्ति है। 28 मार्च 1992, ये दिन आपके लिए बहुत कठिन प्रसंग लेकर आया था। इस दिन आपके प्यारे गुरुदेव
काल धर्म को प्राप्त हुए थे। गुरुदेव का वियोग सहन करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि गुरुदेव सिर्फ आपके गुरु ही नहीं थे, बल्कि आपके माता, पिता, सखा और सब कुछ थे गुरुदेव। गुरुदेव के महानिर्वाण के बाद आप निरंतर 30 वर्षों से हर शनिवार मौन साधना कर रहे हैं और 12 वर्षों से आपके एकासने के एकांतर चल रहे हैं। कालचक्र चलता गया और 21 अप्रैल 2002 में हुई पूज्य हितेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की दीक्षा के बाद आपको गुरुपद की प्राप्ति हुई। पूज्य हितेंद्र ऋषि जी महाराज साहब आपके सहमित्र है और सुशिष्य भी, जो हमेशा आपका ध्यान रखते हैं, आपकी सेवा में लगे रहते हैं, जो आप जैसे ही सरल स्वभाव के हैं, जो विद्वत्ता और सादगी की प्रतिमूर्ति है। आप दोनों की जोड़ी तो बेमिसाल है। गुरुवर मुझको दो ये वरदान, रहे लब पे सदा तेरा नाम। गुरुवर मुझको दो ये वरदान। विचारों की दृढ़ता, भीतर बाहर एक रूपता, समत्व भाव और सरलता, संयम में सजगता, वाणी में माधुर्यता, मुखमंडल की प्रसन्नता, व्यवहार में विनम्रता, ज्ञान की परिपक्वता, आपकी योग्यता और गुणशीलता, ऐसे अनेक सद्गुणों की वजह से आपको जिन शासन प्रभावक, श्रमण संघीय मंत्री, विदर्भ शिरोमणि, प्रज्ञा महर्षि, आगम रत्नाकर, ऐसे अनेक गरिमा बढ़ाने वाले उपाधियों से अलंकृत किया गया है। आपके कर्तृत्व ने उस दिन हिमालय की ऊंचाइयों को छू लिया, जिस दिन आपको श्रमण संघ की उच्चतम पदवी से सम्मानित किया गया। वर्तमान आचार्य, ध्यान योगी, परम पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब का स्नेह व आशीर्वाद, गुरु भ्राता महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की मंगल कामना और प्रेरणा, पूज्य आदर्श ऋषि जी महाराज साहब की सदिच्छा और सभी पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद आपको श्रमण संघ की बड़ी जिम्मेदारी की चादर ओढ़ाकर गौरवान्वित किया गया। वह सुवर्ण दिन था 29 मार्च 2015। इंदौर के दशहरा मैदान में बहुत बड़ा साधु सम्मेलन हुआ, जिसमें 500 से अधिक साधु साध्वी उपस्थित थे। अनेक गणमान्य व्यक्तियों, राजनेताओं, गृहमंत्री एवं ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के सारे पदाधिकारियों की उपस्थिति में तथा 1 लाख से भी ज्यादा जन समुदाय की साक्षी में वर्तमान आचार्य, ध्यान योगी, परम पूज्य शिव मुनि जी महाराज साहब ने आपको श्रमण संघ की उच्चतम पदवी युवाचार्य पद से सम्मानित किया। युवाचार्य पद की चादर पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को ओढ़ाते ही पंडाल जय जयकार से गूंज उठा। है ऐसा शिष्य जिसने गुरुदेव आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब का शिष्य बनकर जीवन को सोना सा तपाकर साधु जीवन से यात्रा प्रारंभ करके तृतीय पद भावी आचार्य पद को प्राप्त करने की क्षमता उत्पन्न की। वर्तमान आचार्य, ध्यान योगी, परम पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के साथ आपने इंदौर, सूरत, उदयपुर, पूना ऐसे 4 चातुर्मास साथ में किए। पूज्य आचार्य के सानिध्य में रहकर आपने उनसे ध्यान साधना की कला को आत्मसात करने का निरंतर प्रयास किया। आप वह पुण्यात्मा है जिन्होंने माता पिता से सुसंस्कार को पाया। बाल्यावस्था में परम पूज्य आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का मार्गदर्शन और आशीर्वाद पाया। वर्तमान आचार्य, परम पूज्य
शिव मुनि जी ने आपको युवाचार्य की पदवी से सम्मानित किया। अपने शिष्य हितेंद्र ऋषि जी का मार्गदर्शक बनकर आपने उनका पथ प्रदर्शित किया और जनमानस पर आपने सदा ही प्रेम का सुधारस बरसाया। चाहे शिष्य का हो या गुरु का, आपने हर रिश्ता बखूबी निभाया। 2019 में संपन्न हुए पुणे चातुर्मास के बाद आप पूज्य आचार्य ध्यान योगी श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के साथ चिंचवड़ नगरी में पधारे। आपके पदपर्श से चिंचवड़ की भूमि पवित्र हो गई। चिंचवड़ वासी बहुत भाग्यशाली है क्योंकि इन्हें 2021 का स्वर्णिम चातुर्मास प्राप्त हुआ है। एक वह समय था जब हम सबका मन इस दुविधा में झूंझ रहा था कि क्या युवाचार्य भगवान चातुर्मास हेतु चिंचवड़ पधार सकेंगे। कोविड महामारी के चलते युवाचार्य भगवान का चिंचवड़ आना क्या संभव हो पाएगा, लेकिन अरिहंत प्रभु की असीम कृपा, चिंचवड़ वासियों की पुण्यवाणी और आपका हमारे प्रति स्नेह और विश्वास, इन सब बातों की वजह से यह अनिश्चितता निश्चितता में बदल गई। और आज का समय देखो, आज हम सबका मन बहुत ही उल्लासित और प्रफुल्लित है क्योंकि आपके साथ हमें महासाध्वी उप प्रवर्तिनी परम पूज्य सन्मति जी आदि ठाना 6 का परम सानिध्य प्राप्त हुआ। युवाचार्य भगवान, हमें इस चातुर्मास में आपको करीब से देखने का जानने का मौका मिला। छोटा बड़ा कोई भेद ना रखते हुए सबसे प्यार से बात करने का आपका अंदाज, समय का अनुशासन, आत्म परीक्षण, कार्यमग्नता, तेज स्मरण शक्ति, परिस्थिति और समय को देखकर निर्णय लेने की क्षमता, इन सब विशेष गुणों ने हम सबको प्रभावित किया है। आपको देखकर एक बात हमें पता चली है कि महापुरुष अपने ज्ञान और महान कार्य के साथ साथ अपने आचरण से भी महान बनते हैं। सरलता, सादगी, विनम्रता से भरा आपका व्यवहार प्रतिपल आपकी महानता दर्शाता है। गुलाब के फूल समान आपका हृदय कोमल है, गंगा के सलिल समान आपका जीवन निर्मल है, हमारे लिए अमाप्य है आपका विराट व्यक्तित्व, गोक्षीर की धारा जैसा आपका यश उज्जवल है। श्रमण संघ की आन बान शान हमारे भावी अनुशास्ता युवाचार्य भगवान परम पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। आपके अच्छी सेहत, लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए प्रभु से मंगल कामना करते हैं और यह भी कामना करते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि श्रमण संघ पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। Happy birthday.